सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस चैप्टर नंबर टू। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर टू के बारे में, दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं और देन उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है हमें बच्चों, क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एक्सप्लेन। ओके चलिए, सो द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कॉल दी इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल। At that point, okay, it is denoted by V. Potential को always V से define किया जाता है, ठीक है? Now अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, वो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। सब लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो बच्चों आपके पास यहाँ पर, ठीक है, कोई प्लस क्यू चार्ज है। तो बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसके सराउंड में सर्टेन एरिया तक, ठीक है, सर्टेन एरिया तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। से यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि चार्ज जो है वो सर्कुलर सिमेट्री कंसीडर करता है या फॉलो करता है, हाँ या ना? सर्कुलर सिमेट्री का मतलब चार्ज प्लस क्यू से अगर आप सर्टेन डिस्टेंस तक या आर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो जो सर्कल है, ठीक है, वो जो सर्कल है उसका
हर एक पॉइंट पर वैल्यू सेम होगा सी, अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ सी हियर, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ये जो सर्कल ड्रॉ किया, ओके, अगर ये सर्कल ठीक है, रुको, सपोज हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के एग्जैक्ट सेंटर पर प्लस क्यू है, बोलो हाँ या ना। यस ओके चलो, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, सर्कल एग्जैक्ट सेंटर पे प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पर सर्कल पर, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर जाओ, 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 किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर चले जाते हो, ठीक है, सबका डिस्टेंस आर जितना है। अच्छा तो हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो सेम होगा, ठीक है। वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा ना सी। अभी मैं बात करता हूँ आपसे, अच्छा अभी एक छोटा सा चार्ज, यूनिट चार्ज जिसको हम 1 कूलम या 1, हाँ यूनिट चार्ज था, तो 1 कूलम चार्ज को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस है, सपोज करो ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, उसको कैरी करके, ठीक है, कहाँ ला रहा है, तो ये आपका जो गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड उसमें कैरी करके ला रहे हैं। अच्छा प्लस क्यू भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के ऊपर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, तो रिपल्जन के अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। और सपोज करो ये आपका पॉइंट है ए, जहाँ पर आपको उसको कैरी करना है, तो ये जो 1 कूलम चार्ज है उसको आपने इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लेके आए, तो जो वर्क डन हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, वी ए, ठीक है, वी ए, इसका वैल्यू होता है बेटा के क्यू बाय आर, पोटेंशियल का जो इक्वेशन होता है के क्यू बाय आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है एवरीबॉडी। आई होप सबको डेफिनेशन समझ में आया होगा। यस सर, यस सर, ठीक है नाउ चलिए अभी इसको हम अच्छे से आगे समझते हैं। देखिए सपोज करो यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर दिया ओ, नाउ पॉइंट ओ से सपोज करो मुझे ये आपका पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी पर इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना है, तो मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पर, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू एट दी ओरिजिन ओ एंड पॉइंट P एट सर्टेन डिस्टेंस एन पॉइंट आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन
इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज. ठीक है. अच्छा, अगर हम कोई चार्ज लेते हैं जिसका कुछ वैल्यू है, यूनिट नहीं है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी देगा, और अगर हम यूनिट लेते हैं तो वो आपको पोटेंशियल देगा. पोटेंशियल एनर्जी एट पी पॉइंट यूपी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट आर यू आर. Here, UP minus UR upon Q, ठीक है, is called electric potential difference. Between these points. Okay, so we can say Vp minus Vr. हम R से निकल कर P पर आए तो final P हो गया, initial R हो गया, तो Vp minus Vr is equal to Up minus Ur upon Q. ये आपका formula बनेगा. चलिए आप इसको equation number 1 दे दोगे. ठीक है. Now, where Vp is equal to potential at point P. And we are potential at point R. चलिए, ठीक है. If potential to be zero. At infinity, then Vp is equal to Up minus Ur upon Q. ठीक है. So here we can write. तो हम यहां पर लिख सकते हैं सो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स
इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखो ये समझाता हूँ आपको बेटा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अच्छा ठीक है, सपोज करो इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब होता है हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सपोज करो हम बात करें, ठीक है, कोई हाईवे होता है तो हाईवे पर हमारी जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, सपोज करो मुझे अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है तो एक्सप्रेस वे पर अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए मेरा जो स्पीड होगा 100 किलोमीटर पर आवर है, तो ये फिक्स स्पीड हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। पर जैसे ही मैं किसी सिटी के अंदर एंटर करूँगा तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, रश ज़्यादा होता है, उसकी वजह से 100 की स्पीड बनाए रखना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मेरी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, यानी कि एक्सेलरेशन होता रहेगा। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक आप लाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक शुरू नहीं होता है वहाँ तक विदाउट एक्सेलरेशन आपका मोशन होगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, यस चले ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर, बोलो बेटा। सर मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाएंगे तब एक्सीलरेशन स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, तो क्योंकि वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज और वो भी जो होगा वो चार्ज ही होगा, तो इन दोनों के बीच में या तो रिपल्सिव फोर्स या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स लगता है या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो उसकी वजह से जो उसका स्पीड है वो चेंज होगा। स्पीड चेंज होगा तो डेफिनेटली बात है बेटा कि वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट दैट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, उसका जूल पर कूलम और वोल्ट। नाउ अदर यूनिट, ये आपको वन मार्कर एमसीक्यू में पूछा जाए अदर यूनिट के बारे में, तो इसको याद रखना बच्चों। ठीक है, इसके जो अदर यूनिट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा देखो, एक तो यूनिट हो सकता है जूल पर कूलम इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर कूलम। ओके, इज इक्वल टू वेबर पर, इज इक्वल टू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये सारे उसके यूनिट है, आप इसका याद रखोगे। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है BF का मतलब होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दिया जाएगा V इज इक्वल टू एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन से। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो कैसे दिया जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन से। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अभी हमें इसका इक्वेशन प्रूव करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बच्चों, तो क्वेश्चन इज कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
derive an expression for the electric potential in a electric field of positive point charge at a distance r. देखो अभी ये क्वेश्चंस दो मार्क्स में पूछा जा सकता है बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मे बी ये दो मार्क्स में पूछा जा सकता है। आगे का जो क्वेश्चन था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, पर ये जो है उसको दो मार्क्स में डेफिनेटली पूछना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चले समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है ना। अभी यहाँ से मैं P पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ से मैं ये मेरा पॉइंट है P, ओके। तो यहाँ पर P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस है R। अच्छा ये ओरिजिन है O ना। चले अभी मैंने यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया P डैश। अच्छा P डैश का सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों, P डैश का सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज R डैश ना। अच्छा अभी R डैश के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट P है मेरा और यहाँ पर दूसरा कोई पॉइंट है। अच्छा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा आर डैश, ओके। और ये P पॉइंट पर हमने 1 कूलम चार्ज को रखा हुआ है, इनफाइनाइट से उसको लेके आए, ठीक है, और 1 कूलम का चार्ज हमने यहाँ पर लिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या समझाना चाहता हूँ ये समझ लो आप। Consider a point charge Q at the origin as shown in figure. The work done in bringing a unit positive test charge from infinity to point P for Q, which is, अच्छा Q charge आपका, which is positive the work done against the repulsive force on the
टेस्ट चार्ज, इस पॉजिटिव नाउ एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश ऑन द पाथ द इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज. अच्छा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है भैया, तो आपके पास कूलम्स लॉ है ही है, तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या होगा वैल्यू. तो वैल्यू हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू सेकेंड जो है उसका वन कूलम अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप. ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो गया जो कि फॉर्मूला हो गया फोर्स का. नाउ वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स टू डिस्प्लेस्ड चार्ज बाय डेल्टा आर डैश डिस्टेंस. ठीक है, हमें डेल्टा आर डैश जितना डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, छोटू डिस्प्लेसमेंट है तो उसके साथ वर्क डन छोटू होगा. ओके, माइनस के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर डेल्टा आर डैश. ठीक है, नेगेटिव होगा वर्क डन. ओके डेल्टा आर डैश इज लेस देन जीरो, सो डेल्टा डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीरो. ओके सो वर्क डन हो जाएगा टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू. अच्छा आपने शुरू किया था इनफाइनाइट से, आप जा रहे हो पॉइंट आर के ऊपर, इक्वेशन हो जाएगा के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश. ठीक है ना, तो यहाँ पर के क्यू जो है वो बाहर चला जाएगा, नेगेटिव साइन रखो माइनस के क्यू. ऑल राइट, आर डैश स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर आर डैश माइनस टू डी आर डैश. अच्छा तो माइनस आर डैश का होता है इंटीग्रेशन आर डैश माइनस वन अपॉन माइनस वन इनफाइनाइट टू आर. अच्छा ये जो होगा माइनस के क्यू माइनस वन अपॉन आर डैश इनफाइनाइट टू आर. अच्छा ये माइनस टर्म अगर आप बाहर डाल दोगे तो के क्यू हो जाएगा वन अपॉन आर डैश की जगह पर अपर लिमिट आर, वन अपॉन आर डैश की जगह पर लोअर लिमिट जीरो. तो आपके पास हो जाएगा W इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई आर. ठीक है, ओके सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W by Q, W by 1, W and that is KQ by R. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया.
आपको लगेगा सर आपने ये वाला W by Q क्यों रखा, तो सिंपल सा बात था बेटा, अगर मैं बात करता Q चार्ज है तो Q चार्ज को ब्रिंग करने के लिए W जितना लगता है, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना लगेगा, तो V को सब्जेक्ट बनाओगे आप, W by Q हो जाएगा। इसी तरह से हमने V is equal to W by Q लाया। बोलो समझ आया सबको? यस सर, यस सर, एवरीबॉडी ठीक है? चलो ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने जो डिस्कस किया एक बार वापस समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ जो हमने डिस्कस किया वो वापस एक बार समझ लेते हैं। चलो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, सब लोग कैमरे पर मुझे देख पाओगे? ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बताया बच्चों, सबसे पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में। तो पोटेंशियल के बारे में हमने आपको ये समझाया कि अगर आपको किसी भी यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन ग्रेविटेशनल सॉरी गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैरी करना है, तो उसके लिए जो वर्क डन होता है दैट इज सेड टू बी, उसके लिए जो वर्क डन होता है दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो सी, आपके पास सपोज करो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। नाउ अच्छा यहाँ से हम बात करते हैं तो ये आपका सर्कुलर सिमेट्री होगा, यहाँ पर आपके पास सर्कुलर सिमेट्री होगा। नाउ भी समझना ये बात। अच्छा नाउ अभी सपोज करो ये पॉइंट इनफाइनाइट पर है क्यू चार्ज, ठीक है, अब ये क्यू चार्ज को आप इनफाइनाइट से ये आप लिख दो इनफाइनाइट पॉइंट, तो यहाँ से आप ब्रिंग करके उसको यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट ए तक लाना चाहते हैं, तो ए तक लाना चाहते हैं तो मैंने क्या बोला आपको बेटा, वर्क डन डब्ल्यू होगा, ठीक है, क्यू चार्ज को ए पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन डब्ल्यू, सपोज यूनिट चार्ज होता तो उसके लिए कितना, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू बाय क्यू। ओके, अगर मैं वी को सब्जेक्ट बनाता हूँ बेटा तो W by Q करके आप आंसर ला सकते हो। ओके नाउ अभी यहाँ पर पोटेंशियल का कोई महत्व नहीं है, VA is equal to KQ by R। ओके, पोटेंशियल का कोई महत्व नहीं है क्योंकि अगर आप गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में A से B पर जाओगे तो उसके लिए जो VB minus VA होगा that is KQ 1 upon R2 minus 1 upon R1। Suppose B point तक का जो distance है वो R2 है और A point तक का जो distance है वो R1 है, तो यहाँ पर potential difference का सबसे ज्यादा महत्व होता है। So in chapter number 2 अगर हमें बात की जा रही है तो simple सा बात है, हमें यहाँ पर potential difference find करने का सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, पोटेंशियल फाइंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ठीक है एवरीबॉडी। तो ये आपका पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन हो गया, आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा एवरीबॉडी। यस सर,